नमस्कार, आप लोग को फानी जहाँ स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बी एच यू एंट्रेंस एग्जाम समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के यहाँ पे टेस्ट 5 को, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 से 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन की जो है सीरीज चल रही है, उसका जो है पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब बनने की कोशिश करें एक ही, जबकि आपका पहला क्वेश्चन है। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे यहाँ पे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे छोटी तटरेखा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? तो यहाँ पे सबसे छोटी तटरेखा कोस्ट वाले जो हैं उन्हीं की बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो गोवा, गोवा की जो यहाँ पे तटरेखा है क्या है, सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी आपसे कभी पूछे तो क्या जवाब करेंगे? गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे बड़ी है। तो भारत में जो है कुल कितने राज्य जो है तटरेखा पर स्थित है, ये अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो क्या जवाब रहेगा? यानी कुल कोस्टल जो स्टेट हैं, तटरेखा वाले जो स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट या तटरेखा राज्य, इनकी संख्या की बात की जाए भाई, नंबर ऑफ कितने हैं? 9 हैं। तो इनको वन बाई वन देखेंगे वही कौन कौन है, तो सबको क्रम और तरीके से आपको देखना है। देखिए पहले आप सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो पहले नंबर पे जो है आपका क्या आएगा? गुजरात। दूसरे पे अगर बात करें, दूसरे पे तो महाराष्ट्र, तीसरे पे देखें तो कर्नाटक, चौथे की बात करें गोवा, पांचवें की अगर बात करें तो क्या है? केरल। इधर 6 नंबर की बात अगर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 7 की बात करें तो आंध्र प्रदेश। 8th की बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा। 9th की बात करें तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आपका कौन है? 9 नंबर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हाँ, अगर इनसे आप कभी लंबाई आपसे पूछेगी टोटल जो है भारत की तटरेखा पर स्थित जो लाइन है वो कितनी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? 75 16.6 किलोमीटर। 75 16.6 किलोमीटर, ये क्या है? तटरेखा की लंबाई है, जिसमें सबसे बड़ी क्या है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। सबसे छोटी गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन? तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी ताजमहल, मुमताज महल और शाहजहाँ के लिए, बीबी का मकबरा जो यहाँ पे औरंगजेब की बीबी की बात की जा रही है, इत्मादौला जो इत्मादौला का मकबरा है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर है। इसको जो है औरंगजेब ने बनवाया, इसको जो है किसने बनवाया? नूरजहाँ ने बनवाया, नूरजहाँ ने बनवाया। ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया। और चार मीनार की बात करें तो यहाँ पे जो है किसी भी मृत व्यक्ति का एक क्या है? स्मारक नहीं है। चार मीनार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। यह है कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को 1591 में बनवाया गया था। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट? भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन की अगर बात की जाए तो कब किया गया था? 1951 में, 1951 में। इसमें क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी 9th जो शेड्यूल है उसको यहाँ पे क्या किया गया? ऐड किया गया 9th शेड्यूल को। यानी यहाँ पे जो अनुसूची आपकी है 9वीं अनुसूची को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया। इस चीज़ का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल?
बंगाल के यहाँ पे सोक की बात की जा रही है तो किसको कहा जाता है, हुगली रिवर को। हुगली रिवर को बंगाल का सोक के नाम से जाना जाता है। घाघरा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, बिहार के लिए हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा के लिए जो है ये असम के यहाँ पे जानी जाती है, असम के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, व्हाट वॉज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, ध्यान रखिए चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े। बुक ऑफ हावला की बात करेंगे तो एक किसके, सिकंदर के घोड़े का नाम है सिकंदर, ध्यान रखिएगा। जो बिहार के यहाँ पे शोक की बात करी जाएंगे कोसी रहेगी, ध्यान रखिएगा कोसी जो रिवर है, कोसी जो नदी है वो क्या है, बिहार का शोक है। घाघरा से भी काफ़ी प्रभावित, इसलिए जो है घाघरा को भी कभी कभी आपका जवाब ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं रहता तो क्या कहते हैं, यहाँ पे घाघरा को रख दिया जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है, विच बॉक्सर इज नोन एज द रियल डील। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया, इवांडर होलीफील्ड को, जो कि क्या रहे थे, प्रोफेशनल बॉक्सर थे, इनका ध्यान रखिएगा प्रोफेशनल बॉक्सर। माइकल फिलिप्स की अगर बात की जाए तो इनको क्या कहा जाता है, फ्लाइंग फिश कहा जाता है, फ्लाइंग फिश, ध्यान रखिएगा फ्लाइंग फिश इनको कहा गया। इयान थॉर्पे की अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, इनको टारपीडो कहा जाता है, जो मछली करंट पैदा करती उनकी बात की जा रही है, टारपीडो की बात की। पेले की अगर बात की जाए तो पेले को जो है क्या कहा जाता है, इनको ब्लैक पर्ल कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, ब्लैक पर्ल, ध्यान रखिएगा। अगर माइक टाइसन कभी आपसे पूछे माइक टाइसन, इनको बैटमैन इन द प्लानेट कहा जाता है, बैटमैन इन द प्लानेट। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टडी दी प्रिजर्व्ड रिमेन्स और साइंस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ द एंशियंट टाइम्स कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, फाइलियोटोलॉजी कहा जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, क्या कहा जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, सी ऑप्शन। एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये जो है मानव के विकास, रीति रिवाज और इतिहास, जो परंपराएं, ऐतिहासिक परंपराएं, उनके बारे में यहाँ पे एंथ्रोलॉजी करता है। मानव की जाति, इतिहास, इतिहास में कौन सी चीज़ों की बात करें तो परंपराएं जो थी उनकी बात करेगा, ठीक है, परंपराओं की बात करेंगे। आर्कियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो क्या है, पुरातत्व विज्ञान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फार्माकोलॉजी जो ये क्या है, औषध शास्त्र, जिसको क्या कहते हैं, औषध शास्त्र कहते हैं, ये मानव शरीर पर जो है औषधि के जो यहाँ पर प्रभाव होते हैं उनके यहाँ पर बारे में अध्ययन करता है। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, वेयर इज अरुणा आसफ अली रिमेंबर्ड फॉर द होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग। तो कहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ध्यान रखिएगा आपका 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942, इसी में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मारो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, तो वर्तमान में अगर आपसे अगर प्रेजेंट कहेगा तो 6 हो जाएंगे, अगर आपसे मूल पूछेगा कि भाई मूल जो संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 7 रहेगा, यानी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें कितने थे, 7 थे, जबकि आपका यहाँ पे अब 6 कब हो गए, क्योंकि 42 में 46 जो आपका संविधान संशोधन अमेंडमेंट की बात की जा रही है, संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी अनुच्छेद 300 में चला गया, 300 का में चला गया है। तो अब वहाँ पे वर्तमान में जो कितने हैं, 6 हैं। और अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो कितने हैं, 11 हैं। इन चीज़ का ध्यान रखें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपके हैं वो कितने, 11 हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को जो है कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को रशिया के संविधान से लिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। तो यहाँ पे अगर सबसे बड़ी की बात करेंगे तो क्या है, रसिया है, जिसका जो आपका एरिया है 1,70,98,242 किमी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आता है आपका क्या आता है, कनाडा आता है। कनाडा के एरिया की अगर बात करें तो 99,84,670 किमी स्क्वायर। और तीसरे नंबर पे जो आएगा अमेरिका आएगा, कितना है, 98,33,517 किमी स्क्वायर। और यहाँ पे तीसरे पे हो गया। चौथे पे बात करेंगे चाइना, चाइना कितना है भाई, 9,596,960 यानी 95,96,960 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे आपका पाँचवें नंबर पे देखिए, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें की बात करेंगे तो क्या है, ब्राज़ील है। छठे की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आपका इंडिया कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा, जिसका है 32,87,263 किमी स्क्वायर। नेक्स्ट वन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे 11 के राइट आंसर की अगर बात किया क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई। ध्यान रखें, विक्रम साराभाई को यहाँ पे क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अब्दुल कलाम की यहाँ पे बात करें तो इनको जो है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, अब्दुल कलाम को। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। होमी भाभा को जो है इनको बार का जो है क्या कहा जाता है, संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। बार कहाँ पे, मुंबई में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे, जी वी मवालकर, गणेश वासुदेव मवालकर। इनका पूरा जो नाम है क्या है, गणेश वासुदेव मवालकर इनका पूरा नाम है, जो कि आपके क्या थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, जिनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मीरा कुमारी अगर बात की जाती है क्या है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने की पहली महिला कौन है, मीरा कुमार। दूसरी जो है सुमित्रा महाजन। रविंद्रनाथ टैगोर को, सॉरी यहाँ पे सुमित्रा महाजन जो है पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज से जो है एक बहुत अच्छी ट्रिक की हमने वीडियो अपलोड की, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। यहाँ पे ऊपर जो है आप आइकन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा आई के जैसा, इस प्रकार से उसे पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो वीडियो, उससे जाके आप देख लीजिएगा, ट्रिक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो उनको 1913 में दिया गया था, ध्यान रखिए, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लिटरेचर।
अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इन विच स्टेट आर दी अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की बात करें कहाँ पे? महाराष्ट्र। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स कॉल्ड? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो इनके जो डॉल्फिन के समूह क्या कहा जाता है? पौंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा पौंड। और यहाँ पे डॉल्फिन को जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, यहाँ पे जलीय जीव जो है एक्वेटिक एनिमल, कब इसको बनाया गया? तो यहाँ पे 18 मई यानी 18 मई 2010 में इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर बनाया गया था, जो कि मीठे पानी में पाई जाती है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? द फेमस पैसेंजर शिप टाइटैनिक बिलोंग टू विच कंट्री? ये कहाँ का था? ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन। ये जहाज भाई क्या हुआ कि इसने जो है यात्रा अपनी शुरू की 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1912 को इसने अपनी यात्रा की, इंग्लैंड से इसने अपनी यात्रा शुरू की। अब हुआ क्या कि ये 4 दिन तक जाने के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को ये क्या हुआ कि समुद्र में डूब गया, जिसमें जो है आपका क्या हुआ कि 1517 लोगों की यहाँ पे क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो आपको ध्यान रखना कहाँ का? ब्रिटेन का। एक मूवी भी इस पर बनी है, उसको भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। मारियाना गर्त किस महासागर में है? इन विच ओशियन इज दी मारियाना ट्रेंच? तो पूरे पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा जो स्थान हो क्या है? मारियाना गर्त है, जो कि आपका 11,022 मीटर गहरा है। इस समुद्र तल से गहराई की बात की जा रही है, समुद्र तल जितना गहरा होता है उससे गहराई नीचे बात की जा रही है। तो ये कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो इसकी स्थापना जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो स्थापना की गई 1969 में, तो सबसे पहले दिया किसको गया? देविका रानी क्या है? ये जो है फर्स्ट आपकी यहाँ पे क्या थी? एक्ट्रेस थी, यानी प्रथम अभिनेत्री। इनको आपका क्या किया गया 1969 में यहाँ पे दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर यहाँ पे बात की जाए कि पृथ्वीराज कपूर को, तो इनको जो है कब दिया गया? तो इनको भी आपका दिया गया 1971 में। लता मंगेशकर की अगर बात करें तो इनको जो है कब दिया गया था? 1989 में। और सत्यजीत रे की बात की जाए तो इनको 1984 में दिया गया था। नेक्स्ट है जिमी वेल्स, यहाँ पे अच्छा किसको भाई सबसे पहले दिया गया? देविका रानी। जिमी वेल्स और लैरी सिंगर किस से संबंधित है? हु इज जिमी वेल्स एंड लैरी सिंगर रिलेटेड टू? तो भाई ये किसके संस्थापक है, या कह सकते हैं किसके जो है ये यहाँ पर जो है एडवाइज मतलब जिनके द्वारा स्थापित क्या किया गया है, इन दोनों के द्वारा, लैरी वेल्स और लैरी सिंगर के द्वारा, जिनके द्वारा विकीपीडिया को बनाया गया, जिसको आप गूगल पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो है इसमें से जो है 99% चीज़ें जो है क्या होती है? ट्रू होती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक प्लेस अगर दे रखा है आपका लियोन, तो उसको हम टिक करेंगे, जो कि आपका पड़ता कहाँ है? पेरिस में पड़ता है, जबकि पेरिस भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन पेरिस के अलावा जो स्पेसिफिक प्लेस उसने दे रखा है, तो आपको स्पेसिफिक प्लेस टिक करना है, पेरिस तब नहीं टिक करना है। अगर पेरिस ऑप्शन में रहता और लियोन यहाँ पे नहीं रहता, तो कुछ और रहता इसकी जगह पे, तो हम क्या करते हैं? पेरिस को टिक कर सकते। इंटरपोल है क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? वेयर वाज पेपर इन्वेंटेड? तो भाई कागज़ का जो आविष्कार हुआ कहाँ पे हुआ? चाइना में।
चाइना से धीरे धीरे जो है आपके यहाँ पे यूरोपी सीखे, उसके बाद यूरोपी जब हमारे यहाँ आए तो हमने उनसे अपना कागज़ बनाना सीखा था। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन द अर्थ? तो कौन कौन यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन इसका राइट आंसर। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही वाज प्रोपगेटेड बाई तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसको जो है दीन ए इलाही को कब शुरू किया गया? 1582 में। 1582 में किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाया किसने? तो बीरबल को। एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, एकमात्र हिंदू, और क्या था, यही अंतिम हिंदू भी था जिसने इस धर्म को अपनाया था। इसके बाद किसी ने नहीं अपनाया, ना तो इससे पहले किसी ने अपनाया था। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू गेट इलेक्टेड टू लोकसभा? तो अब देखिए राज्यसभा के लिए जो उम्र होती है कितनी होती है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए बात करेंगे 25, विधान परिषद के लिए 30, विधानसभा के लिए आपका 25। ओके, अब यहाँ पे अगर आपका जो है बात करेंगे कभी जैसे कि जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। निर्वाचन के लिए जो आयु होनी चाहिए वो हो गया नहीं चाहिए 18 वर्ष। तो आप अगर 18 वर्ष के हो गए तो आप क्या कर सकते हैं? निर्वाचन कर सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं। या फिर लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपका क्या हो जाएगा? 25। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं? व्हाट इज अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर कॉल्ड? एक ग्लेशियर जो है उसमें अगर गहरी दरार पड़ जा रही तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसमें उसको क्रेवास कहा जाता है, क्रेवास बी ऑप्शन। यहाँ पे अगर बात करेंगे जैसे कि पहाड़ी पर्वतों में आपका दरार पड़ जाता है, जैसे पहाड़ या पर्वत में, हिल या माउंटेन की बात की जा रही है, इसमें जो पड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, उसको पासिस कहते हैं, यानी हिल या आपका माउंटेन्स की बात की जा रही है। और अगर आपका जो मैदानी ज़मीन होती है या आप खेत भी कह सकते हो, तो उसमें जो पड़ती है आपका यहाँ पे जो दरार पड़ जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको दरार ही कहा जाता है, यानी कि उसको दरार ही कहेंगे। अगर यहाँ पे जो है जैसे कि शीशा हो गया, मकान हो गया, तो इसमें पड़ेगी अगर दरार, इसमें पड़ जाएगी, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्रैक हो गया, यानी क्रैक पड़ जाना। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सीमांत गांधी किसे कहा गया? खान अब्दुल गफ्फर खान को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिवल इंडियन बुक ऑन मैथमेटिक्स? तो यहाँ पे जो गणित पर आधारित तो कौन है? लीलावती। किसके है? भास्कराचार्य की, भास्कराचार्य की क्या है? पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? When is World Environment Day celebrated? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जा रही है तो इसको कब मनाया जाता है? 5 जून को,
यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें तो विश्व शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे, वर्ल्ड पीस डे। 1 मई की बात करेंगे तो मजदूर दिवस, लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा लेबर डे। 28 फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जाए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम ही हमारा क्या राष्ट्रीय गीत है, ध्यान रखिएगा। जो जनगण मन अधिनायक वो हमारा क्या राष्ट्रीय गान है, दोनों चीज़ें हमारी अलग हैं, उसको नेशनल एंथम कहेंगे, इसको नेशनल सॉन्ग कहते हैं। तो वंदे मातरम को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, इसको सबसे पहले जो है कांग्रेस अधिवेशन जो यहाँ पे कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन में जो आपका हुआ कब था, 27 दिसंबर 1911 को, इसी में क्या किया सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, विच इंडियन किंग यूज दी नवल पावर टू कंक्योर फॉर्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया, तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए जो है नौसैनिक शक्ति का जो इस्तेमाल किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, देखिए है तो ये भारत के दक्षिण में एरिया, जैसे कि आप श्रीलंका आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ है ऐसे, तो ये दक्षिण पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि इसी को जीतने के लिए जो है यहाँ पे आप आक्रमण किया गया था, तो पूर्व एशिया के तौर पर इसी को जाना जाता है, ठीक है। पूर्व एशिया यहाँ पे उस समय के लिए इसी को कहा गया है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसने किया था, तो ऑप्शन क्या है, राजेंद्र चोला, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे श्रीलंका विजय जो है प्राप्त की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। राजेंद्र प्रथम और वहाँ पे क्या बना था, राजा बना था, ध्यान रखिएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को पास चीज़ें पहुँच सके। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका फीडबैक मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल। थैंक यू।